नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गांव किसान में स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं करेले की उन्नत किस्मों के बारे में तथा इन किस्मों की कितनी है पैदावार, ये भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इधर उधर की बात न करते हुए आपको बताते हैं करेले की उन्नत किस्मों के बारे में तथा इनकी पैदावार के बारे में। सब्जियों में करेले का स्वाद भले ही कड़वा क्यों न होता हो, लेकिन देश के कई राज्यों के किसान करेले की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर किसानों को करेले से फसल की अच्छी पैदावार लेनी है तो उसके लिए उचित पोषक तत्व, समय पर बुआई, पौध संरक्षण के साथ करेले की उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। बता दें कि इसकी खेती में उन्नत किस्मों का चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे में किसानों को करेले की उन्नत किस्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज के वीडियो में करेले की कुछ उन्नत किस्मों की विशेषताएँ और पैदावार के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जो करेले की जो किस्म है उसका नाम है प्रिया। इस किस्म के जो फल हैं 19 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी बुआई के 60 दिन बाद फल पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी हर एक बेल से 35 फल प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर भारत में इस किस्म को मई से सितंबर, सितंबर से जनवरी और मई और फरवरी से मई में उगाया जाता, मतलब तीन फसलें ली जाती हैं। इससे प्रति हेक्टेयर लगभग 80 कुंटल तक पैदावार हो सकती है। नंबर दूसरे पे है हिसार सेलेक्शन। इस किस्म के फल हरे रंग के होते हैं जो कि मध्यम आकार के होते हैं। यह किस्म उत्तर भारत के लिए एक प्रचलित और लोकप्रिय किस्म मानी जाती है। इससे लगभग 40 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार हो सकती है। तीसरे नंबर पर है कल्याणपुर बारामासी। इस किस्म के फल हरे रंग के होते हैं जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। इस किस्म को गर्मी और बारिश दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। यह किस्म पूरे साल फल देती है, यही कारण इसे बारहमासी नाम दिया गया है। अब जो चौथे नंबर पे है वो है फैजाबादी बारहमासी। इस किस्म के फल लंबे, पतले और कोमल होते हैं। इनकी लताएँ अधिक फैलने लगती हैं और पूरे साल फल लगते हैं। इससे पैदावार अच्छी मिल सकती है। पाँचवें नंबर पे पंजाब 14 है। इस किस्म के पौधों की बेलें छोटी होती हैं। इसके फल का औसत वजन 35 ग्राम होता है और यह हल्के रंग के होते हैं, जिससे प्रति एकड़ लगभग 50 कुंटल तक की पैदावार मिल सकती है। अब जो है अगली जो किस्म है वो पंजाब करेला फर्स्ट है। करेला की यह किस्म नर्म और दांतेदार होती है। इसकी पत्ते हरे रंग के होते हैं जो कि लंबे आकार का फल देती हैं। इस किस्म की बुआई से फल लगभग 66 दिनों बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म के फलों का वजन लगभग 50 ग्राम होता है। इससे प्रति एकड़ 50 कुंटल तक की पैदावार मिल सकती है। अगली जो किस्म है, मतलब आखिरी आपको किस्म बताने वाला हूँ, वो है C16 करेले की। यह किस्म काफ़ी अच्छी होती है। इसके फलों का रंग हरा होता है। यह पूसा दो मौसमी नामक किस्म से अधिक पैदावार देती है। इससे प्रति हेक्टेयर 130 कुंटल तक की पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ किस्में करेले की जिनकी आप बुआई करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छा लाभ ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको करेले की खेती कैसे करें इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप करेले की खेती कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों करेले की उन्नत किस्मों से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग गया तो लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो इसी तरह के खेती किसानी संबंधित मेरे वीडियो जो मैं बनाऊँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। इसके अलावा खेती किसानी, पशुपालन और बागवानी से संबंधित खबरें पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट gaonkisan.net पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलूँगा अपने नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।